हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश, देर रात से गरज के साथ बारिश का सिलसिला जारी, सड़कों पर भरने लगा पानी। दिल्ली के जोरबाग इलाके में भारी बारिश, जलभराव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, यातायात प्रभावित। कनॉट प्लेस के पास मिंटो ब्रिज पर पानी भरा, मिंटो ब्रिज के पास की सड़क पर वाटरलॉगिंग, जनजीवन प्रभावित। जनपद में भी सड़क पर वाटरलॉगिंग, जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट के पास की सड़क पर भी पानी भरा, यातायात प्रभावित, लोगों को हुई परेशानी। दिल्ली एयरपोर्ट रोड पर भी जोरदार बारिश से पानी भरा, रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली के मोतीबाग इलाके में बारिश के बाद जलभराव, ओवरब्रिज के नीचे जमा हुआ बारिश का पानी, दिन में अंधेरे की वजह से लाइट जलाकर गाड़ी चलाने को मजबूर लोग। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में भी तेज बारिश, सड़कों पर बह रहा है पानी, जलभराव से ट्रैफिक पर असर। दिल्ली के आईपी स्टेट थाने में भी पानी भरा, पुलिस स्टेशन परिसर जलमग्न, पुलिस वाहनों को हो रही दिक्कत। दिल्ली के मधुविहार इलाके में भारी बारिश ने टेंशन बढ़ाई, सड़क पर बहा समंदर, डीटीसी बस का पहिया पानी में डूबा। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में भारी बारिश का साइड इफेक्ट, सड़कें दरिया में तब्दील हुई, बस स्टॉप पर पानी के चलते घंटों लोग फंसे रहे। दिल्ली के मुनीरका में तेज बारिश के चलते ट्रैफिक जाम, फ्लाईओवर पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली के रामलीला मैदान के पास तेज बारिश के चलते जलजमाव, कई गाड़ियां पानी में फंसी। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में दिन में रात जैसा एहसास, सुबह घने अंधेरे के साथ बारिश, सड़क पर नहीं दिखी गाड़ियां। आईटीओ पर घुटनों तक भरा पानी, धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार। राजौरी गार्डन में दरिया बनी सड़कें, कई किलोमीटर तक पानी ही पानी नजर आया, लाइट जलाकर गाड़ी चलाने को मजबूर लोग। भारी बारिश के बाद प्रहलादपुर अंडरपास डूबा, सड़क पर भरा लबालब पानी। बारिश ने प्रगति मैदान इलाके में भी ट्रैफिक की रफ्तार को थामा, सुबह सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को हो रही परेशानी। दिल्ली में एम्स के आसपास का इलाका पानी पानी हुआ, बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में बारिश ने बनाया रिकॉर्ड, 18 साल पहले 2003 में हुई थी 1000 mm से ज्यादा बारिश। पंजाब के अमृतसर में भी मूसलाधार बारिश, सड़कों पर जलभराव की वजह से यातायात प्रभावित, लोगों की बड़ी परेशानी। हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 48 घंटे में हो सकती है बारिश, कल भी कई इलाकों में हुई थी बारिश। राजस्थान के बारा में उफनती नदी में दो युवक बहे, तीन लोग नदी में बनी पुलिया को कर रहे थे पार। उफनती नदी में करीब 1 किलोमीटर तक बहे दोनों युवक, बड़ी मशक्कत के बाद दोनों की जान को बचाया गया। किसानों और करनाल प्रशासन के बीच सहमति बनी, 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच होगी, 1 महीने में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जांच करेंगे। एसडीएम आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेजा गया, किसान के दो परिवार वालों को नौकरी मिलेगी। आज संयुक्त किसान मोर्चा की भी होगी बैठक, आगे की रणनीति पर होगा फैसला। पंजाब के राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग के बाद बोले किसान नेता बलबीर सिंह, चुनाव का ऐलान होने तक कैंपेन न करने की मांग। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के पाटीदार समुदाय को देंगे बड़ा तोहफा, अहमदाबाद में करेंगे सरदार धाम भवन का लोकार्पण, सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम। पीएम मोदी सरदार धाम के 200 करोड़ के नए प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण करेंगे, गुजरात के सीएम और डिप्टी सीएम भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रावास की आधारशिला भी रखेंगे पीएम मोदी, विमेन हॉस्टल में होगी 2500 छात्रों के लिए जगह। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ आज 2+2 डायलॉग, अफगानिस्तान तालिबान और पाकिस्तान पर चर्चा संभव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री पीटर दुत्तो से की मुलाकात, राजनाथ सिंह ने कहा तालिबान की मदद से अफगानिस्तान में बेस बनाकर कई आतंकी संगठन इलाके में फैला सकते हैं अशांति। 9/11 की बरसी पर आज तालिबान सरकार का शपथ ग्रहण नहीं, रूस की न्यूज एजेंसी तास के हवाले से खबर। कल्चरल कमीशन के सदस्य इनामुल्ला समागानी का बयान, 9/11 की बरसी पर शपथ की खबर अफवाह, कहा शपथ ग्रहण का फैसला कई दिन पहले टल गया था। समागानी ने कहा शपथ कब होगी ये साफ नहीं, सरकार पहले ही अपना काम शुरू कर चुकी है। काबुल से तालिबानी आतंकवादियों का एक नया वीडियो भी सामने आया, तालिबानी आतंकी हाथ में हथियार लेकर काबुल के मोहल्ले में नजर आए। लोगों के घरों के बाहर हथियार लेकर बैठे हैं तालिबानी, लोगों की हत्या को लेकर सवाल पूछे जाने पर बोले वो धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, उन्हें किसी की जान लेने का कोई अफसोस नहीं। पंजशीर से तालिबानी आतंकवादियों के अत्याचार का एक और नया वीडियो सामने आया, तालिबानी आतंकी घर घर में घुसकर अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं की आवाज सुनाई पड़ रही है। तालिबान ने की साल्हे के भाई के शव की के साथ क्रूरता, रोहल्ला के शव को दफनाने नहीं दे रहे हैं तालिबानी, रोहल्ला साल्हे के शव को सड़ने के लिए छोड़ा गया। तालिबानी सरकार से पाकिस्तान को बहुत उम्मीद, पाकिस्तान ने कहा नई सरकार के बनने से अफगानिस्तान में शांति सुरक्षा और स्थिरता बढ़ेगी। अफगानिस्तान में पत्रकारों पर जुल्म के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सख्त हुआ, तालिबान से पत्रकारों से जोर जबरदस्ती ना करने को कहा गया। अमेरिका में हुए हमलों की 20वीं बरसी आज, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मारे गए लोगों को याद किया। राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्वीट कर अमेरिकियों को दिया संदेश, कहा 11 सितंबर 2001 के 20 साल बाद हम 2977 लोगों को याद कर रहे हैं जिन्हें हमने खो दिया।
कल से भारत दौरे पर आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी, जलवायु कार्रवाई और वित्तीय संग्रहण संवाद की करेंगे शुरुआत। विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी 12 से 17 सितंबर तक पुर्तगाल और स्पेन का करेंगे दौरा, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। आज होगा बीजेपी के बूथ विजय अभियान का आगाज, जेपी नड्डा देंगे कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र। यूपी में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी कांग्रेस, गांवों कस्बों से 12,000 किलोमीटर तक निकलेगी यात्रा। मायावती पर स्वामी प्रसाद मौर्य का हमला, बीएसपी में टिकट मिलते ही नहीं खरीदे जाते हैं। 22 सितंबर से 10 अक्टूबर तक यूपी दौरे पर रहेंगे असदुद्दीन ओवैसी, 22 सितंबर को संभल से शुरू करेंगे यात्रा। असदुद्दीन ओवैसी की बाराबंकी रैली में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप, ओवैसी और कार्यक्रम के आयोजक पर मामला दर्ज। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, दवाओं को लेकर राज्यों को दिए बफर स्टॉक रखने के निर्देश। ऑक्सीजन की सप्लाई को तेजी से बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए गए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और पीएसए प्लांट भी बढ़ाने को कहा गया। तीसरी लहर के मद्देनजर अस्पतालों में बच्चों के लिए पर्याप्त बेड तैयार रखने के निर्देश भी जारी किए गए, राज्यों के स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को फिर से डिजाइन करने के लिए कहा गया। मीटिंग में मोदी ने कहा वायरस के नए म्यूटेंट की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग पर काम जारी रहना चाहिए। देश में कोरोना के एक दिन में करीब 33,376 नए मामले सामने आए, 308 मरीजों की मौत हुई। केरल में कोरोना के 25,000 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 177 लोगों ने दम तोड़ा। गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य कर्मी चला रहे हैं टीकाकरण का अभियान, 25 स्थानीय लोगों को टीका लगाया गया। मुंबई में धारा 144 लागू होने के बावजूद दादर सब्जी मंडी में उमड़ी लोगों की भीड़, पुलिस की अपील के बावजूद कम नहीं हुई भीड़, कोरोना नियमों की भी उड़ी धज्जियां। फरीदाबाद में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी, 30 डॉक्टर्स की 10 टीमें गठित, अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई व्यवस्था पर रखी जाएगी नजर। आगरा में बढ़ने लगे डेंगू के मामले, 16 नए मरीज अस्पताल में भर्ती, कुछ का घर पर ही चल रहा है इलाज। सीएमओ ने कहा कोई भी मृत्यु अब दर्ज नहीं की गई, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। वाराणसी में डेंगू और वायरल बुखार के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई, करीब 450 वायरल बुखार के मामले दर्ज किए गए जबकि डेंगू के 8 मरीज अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद डेंगू मामले में नगर निगम का एक स्वास्थ्य अधिकारी सस्पेंड किया गया, गैरकानूनी क्लिनिक सील किए गए। शहर में अब तक 57 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 404 का इलाज जारी। खाद्यान्न की खरीद के लिए त्रिपुरा को ई खाद मॉडल अपनाएगी जम्मू कश्मीर सरकार, पोर्टल के जरिए खाद्यान्न की ऑनलाइन बोली लगाना होगा अब आसान। सुपरटेक मामले की यूपी सरकार को अब अगले हफ्ते जांच रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी, तय समय में जांच रिपोर्ट नहीं हो पाई तैयार। एसआईटी ने नोएडा विकास प्राधिकरण के सुपरटेक से जुड़े अफसरों को भेजी सवालों की सूची, जवाब मिलने के बाद एसआईटी रिपोर्ट को देगी अंतिम रूप। पंजाब में गणेश चतुर्थी पर चॉकलेट से बने गणेश जी का ट्रेंड बढ़ा, चॉकलेट से बने गणेश जी की मूर्ति है इको फ्रेंडली। 18 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए खुला उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, महाभस्म आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन नगर निगम के 22 वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया, शराब और मांस की बिक्री पर यहां पर पाबंदी लगाई गई। अंडमान निकोबार के डिगलीपुर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5। गाजियाबाद में 3 साल का मासूम बच्चा नाले में गिरा, रात करीब 9 बजे की घटना, देर रात नाले से निकाला गया बच्चे का शव। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, 3 साल का मोहित अपने भाई के पीछे भागता हुआ गया, अंधेरे में नाले के पास पहुंचा कर लापता हो गया। उत्तर प्रदेश के शामली में आपसी विवाद में हत्या, एक दर्जन से ज्यादा लोगों ने युवक की पीट पीट कर हत्या की, एसपी शामली ने बताया पुरानी रंजिश का मामला। समीर नाम के शख्स को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा गया, युवक ने अस्पताल में दम तोड़ा, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहार के मुजफ्फरपुर के गायघाट इलाके में छापे के दौरान उपद्रवियों का पुलिस पर हमला, मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के बाड़मेर में रफ्तार का कहर, रोडवेज बस की एक बुलेरो से टक्कर, हादसे में 4 महिलाओं की मौत, 10 घायल। महाराष्ट्र के पालघर में इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग, पेंट और केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री जलकर हुई खाक। मैक्सिको शहर में टूटा पहाड़, घरों पर गिरे बड़े बड़े बोल्डर, हादसे में 1 की मौत, 10 लापता। न्यूयॉर्क के सेंट जॉन अस्पताल की छत पर लगी आग, इमरजेंसी रूम को खाली कराया गया, 2 लोग घायल। नोवाक जोकोविच इतिहास रचने से केवल एक कदम दूर, सेमीफाइनल में अलेक्जेंडर जेरेव को दी मात। टीम इंडिया के सपोर्ट में उतरे माइकल वॉन, कहा ईसीबी ने भी साउथ अफ्रीका का दौरा कैंसिल कर सीएसए को किया था निराश, पीटरसन बोले उंगली उठाना सही नहीं। सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड फिल्म अनार्थ का मोशन पोस्टर गणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ, 4 नवंबर को दिवाली पर रिलीज होगी फिल्म। अहमदाबाद को पीएम मोदी की सौगात, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा, खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।